वेलकम, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं टुडेज जहां होता है एंटरटेनमेंट के दुनिया से डायरेक्ट कनेक्शन। आपको बता दें कि साउथ इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर SS राजमौली इस समय अपनी आगामी फिल्म RRR की शूटिंग में बिजी हैं। कोरोना वायरस के कारण कई महीनों तक शूटिंग रुकने के बाद निर्माताओं ने पिछले महीने ही शूटिंग शेड्यूल को फिर से शुरू किया। इसी बीच फिल्म से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। खबरों की माने तो इस पीरियड ड्रामा में वॉइस ओवर के लिए बॉलीवुड स्टार आमिर खान और मेगा स्टार चिरंजीवी अपनी आवाज देने वाले हैं। जी हां, इस खबर को सुनने के बाद फैंस के बीच एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि इस खबर पर अभी निर्माताओं की तरफ से कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है। बताते चले, राजमौली की आगामी फिल्म RRR में साउथ सुपरस्टार रामचरण और जूनियर NTR लीड रोल में नजर आएंगे। इन दोनों के अलावा फिल्म में बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट और अजय देवगन भी अहम भूमिका में दिखाई देंगे। वैसे हम इस फिल्म के बारे में बात करें तो RRR में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों कोमाराम भीम और अलोरी सीताराम राजू की कहानी दिखाई गई है। इस फिल्म में बॉलीवुड स्टार्स के अलावा दो हॉलीवुड स्टार्स भी नजर आने वाले हैं। यह फिल्म दुनिया की 10 भाषाओं में रिलीज की जाएगी। इस मल्टी स्टारर फिल्म को मेगा बजट के साथ बनाया जा रहा है। फिल्म का बजट 400 करोड़ के करीब बताया जा रहा है। यह फिल्म अगले साल रिलीज होगी। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज एंड अपडेट।